अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 कैलकुलस चैप्टर नंबर 4 टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन। क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन प्रॉब्लम जो है वो 6 to 8 है। सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रल ऑफ कोसेकेंट एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंट एक्स, कोसेकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स से हम इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। कोसेकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स से मल्टीप्लाई किया और साथ में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कोसेकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। यहाँ पे हम साथ में कोसेकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ये आ गया डी ऑफ एक्स। अब क्या करेंगे, कोसेकेंट एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, कोसेकेंट एक्स कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स, कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा, कोसेकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स, ठीक है, कोसेकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स। अब हमारे पास कोसेकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स का डेरिवेटिव ऊपर जो क्या है मौजूद है, यानी कि कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स और कोसेकेंट एक्स का डेरिवेटिव कोसेकेंट एक्स माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स, ठीक हो गया। इंटीग्रेशन में क्या रूल है कि नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव हो तो हमारे पास आ जाता है ln ऑफ फंक्शन, ठीक है, क्या आ जाएगा, ln ऑफ कोसेकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स, ठीक है। इंटीग्रेशन में क्या रूल है, अगर नीचे फंक्शन है ऊपर उसका साथ डेरिवेटिव मौजूद है तो हमारे पास आ जाएगा ln ऑफ कोसेकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स, यानी कि ln ऑफ फंक्शन आ जाएगा हमारे पास। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या आ जाएगा, ln ऑफ कोसेकेंट एक्स को हम लिख सकते हैं 1/sin x और कॉट एक्स cos x over sin x, ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा, ln ऑफ साइन एक्स, ठीक है, इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर रहे हैं 1 - cos x। फार्मूला हम यहाँ पे साथ मेंशन करते हैं, अगर हमारे पास क्या हो 1 - cos x तो हम क्या लिखते हैं, 2 sin² x / 2। अगर हमारे पास वहाँ यहाँ पे हो 1 + cos x तो हम क्या लिखेंगे, 2 cos² x / 2, ठीक हो गया। क्या आ जाएगा, ln ऑफ 2 sin² x / 2, अगर यहाँ पे हमारे पास प्लस हो तो क्या आ जाएगा, 2 cos² x / 2। साइन एक्स की जगह हमारे पास आ जाएगा 2 sin x / 2 cos x / 2, साइन एक्स 1 time कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ln ऑफ साइन x by 2 डिवाइडेड बाय cos x by 2। साइन ओवर cos हमारे पास किसके इक्वल होता है, टेंजेंट के इक्वल, तो ये हमारी क्या आ जाएगा, टेंजेंट ऑफ x by 2, टेंजेंट ऑफ x by 2, ये आ गया हमारे पास फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन हमारे पास है इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 bx + c / n ax + b इंटू डी ऑफ एक्स। हम क्या करेंगे, लेट करेंगे फंक्शन, इस फंक्शन को हम लेट कर लेते हैं, कोई भी आप ले लें, टी ले लें या जी ले लें, हम इसको टी ले लेते हैं। ax स्क्वायर प्लस 2 bx + c = t। अब क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं dt, ए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2ax + 2b, ठीक हो गया। साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा, डी ऑफ एक्स। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 2 ax + b (dx). 2 जो है यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, dt = ax + b (dx), ठीक हो गया।
अब इसको हम इस फंक्शन में पुट करते हैं सब वैल्यूज को, क्या आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ ए एक्स के प्लस टू बी एक्स प्लस सी की जगह हम टी पुट करेंगे, टी पावर एन, ठीक हो गया। ए एक्स प्लस बी इंटू डी ओफ एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे, वन ओवर टू इंटू डी टी, वन ओवर टू कॉन्स्टेंट है, इसको हम बाय लिख लेंगे, साथ में हमारे पास आ जाएगा डी टी, ठीक है। अब हमारे पास इंटीग्रेशन में क्या रूल है, हमारे पास फंक्शन है और साथ में उसका डेरिवेटिव, यानी कि इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स और साथ में उसका क्या है डेरिवेटिव है एफ ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। तो हम क्या करते हैं कि जो पावर में होता है ना उसको हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे एफ ऑफ एक्स फंक्शन में जो पावर में है उसमें एक ऐड भी करते हैं और साथ में क्या करते हैं डिवाइड भी कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास रूल है, क्या है टी इंटू डी ऑफ टी, ठीक है। टी का डेरिवेटिव हमारे पास क्या है वन, ठीक है, साथ में यानी कि ये फंक्शन है और उसका साथ क्या है डेरिवेटिव। तो हम क्या करेंगे जो पावर में है उससे एक ऐड करके उसी से हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा वन ओवर टू टी पावर एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन, ठीक है। पावर में एक ऐड कर दिया और उसी के साथ हमने क्या किया डिवाइड भी कर दिया, ठीक हो गया। क्या आ जाएगा वन ओवर टू इंटू वन ओवर एन प्लस वन इंटू टी पावर एन प्लस वन। अब क्या करेंगे यहाँ पे हम टी के जो वैल्यू है यानी कि टी को जो हमने लेट किया था उसको हम पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा वन ओवर टू इंटू वन ओवर एन प्लस वन, टी की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी, ठीक है, पावर में क्या आ जाएगा एन प्लस वन। ये हमारे पास आ गया फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर एट, इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट वन प्लस एक्स ओवर वन माइनस एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। इसको हम सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन, इसे हम क्या करेंगे रैशनलाइज करते हैं बाय रैशनलाइजेशन, यहाँ पे हम साथ मेंशन कर लेते हैं बाय रैशनलाइजेशन, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ वन प्लस एक्स ओवर अंडर रूट वन माइनस एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाई भी किया, ठीक है, रैशनलाइज किया अंडर रूट वन प्लस एक्स ओवर अंडर रूट वन माइनस एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। इंटीग्रल ऑफ ये क्या हो जाएगा वन प्लस एक्स, ठीक हो गया, इंटीग्रल ऑफ वन माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स, यानी फार्मूला हो जाएगा ए माइनस एक्स और ए प्लस एक्स। अब हम इसे कैसे करेंगे सेपरेट करके हम इसको लिख लेते हैं, कैसे करेंगे इंटीग्रल ऑफ वन के साथ इस फंक्शन को सेपरेट लिखेंगे और एक्स के साथ इस फंक्शन को सेपरेट करके लिखेंगे, वन ओवर अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ओवर अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स। अब इन दोनों फंक्शन पे हम इंटीग्रल अप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ एक्स ओवर अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स। अब ये देखिए जो फंक्शन है हमारे पास ये किसका डेरिवेटिव है साइन इनवर्स ऑफ एक्स का, तो हम ये लिख लेते हैं साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रल। अब ये देखें ये हमारे पास अगर हम जो इसमें फंक्शन है ये वन माइनस एक्स स्क्वायर अगर इसका डेरिवेटिव लें तो हमारे पास आ जाएगा वन का डेरिवेटिव जीरो माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस टू एक्स आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे माइनस टू से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है। क्या आ जाएगा यहाँ पे हम लिखते हैं माइनस वन ओवर टू से मल्टीप्लाई भी किया और माइनस टू एक्स से डिवाइड भी कर लिया, ठीक है। ये हमारे पास क्या है माइनस है, ठीक है माइनस क्या आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस वन ओवर टू। अब इस फंक्शन को हम लिखेंगे वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय टू माइनस टू एक्स इंटू डी ऑफ एक्स।
अभी देखिए हमारे पास जो ये फंक्शन है साथ उसका डेरिवेटिव, अभी हमने देखा अगर फंक्शन हो इंटीग्रल में क्या रूल है, फंक्शन साथ उसका डेरिवेटिव हो तो जो पावर में होती है उसमें एक ऐड भी कर देते हैं और उसी पावर से ऐड करके डिवाइड भी करते हैं। क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस वन ओवर टू, क्या आ जाएगा? वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर टू प्लस वन माइनस वन ओवर टू प्लस वन, ठीक है। क्या आ जाएगा हमारे पास? साइन इनवर्स ऑफ एक्स, साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस वन ओवर टू वन माइनस एक्स पावर में क्या आ जाएगा? माइनस वन ओवर टू प्लस वन क्या आ जाएगा? प्लस वन बाय टू, डिवाइड में क्या आ जाएगा? वन बाय टू, ठीक हो गया। साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ये टू टू से कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि ये वन ओवर टू है, यहाँ पे अगर टू हो जाएगा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा? वन माइनस एक्स पावर वन बाय टू। वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर, वन माइनस एक्स स्क्वायर पावर वन बाय टू, इसको हम लिख लेंगे साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास फाइनल आंसर।